Hello friends, welcome to the next video of DSSSB Computer Science. So in this video series we are providing the 200 best MCQs in every subject of computer science which will be asked in DSSSB. So ये पूरी सीरीज आपके हिंदी में होगी जो DSSSB की PGT रिक्रूटमेंट के लिए है. So in this series we have already discussed operating system best 200 questions, and now we will discuss 200 best MCQs in computer architecture and organization. So we have already uploaded the question number 1 to 50. Now we will start with question number 51. So my name is Abdul Kadir. Let's start with question number 51. So question number 51 says the type of memory assignment used in Intel processor is what? So in what kind of memory assignment we use in Intel processors? Okay, so we can assign the memory to any variable or anything in memory in two ways, either by little endian or by big endian. So in Intel processor, we use the method of little endian. Okay, so we will see what is little endian, what is big endian. Question number 52. When using the big endian assignment to store a number, the sign bit of the number is stored in which place? तो हम बात कर रहे हैं बिग एंडियन की एंड लिटिल एंडियन की. ये है क्या? फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है इंट इक्वल्स टू 513. आपको ये मेमोरी के अंदर स्टोर करना है ये वैल्यू. तो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगी ये वैल्यू? बाइनरी की फॉर्म में. ऑब्वियसली सब कुछ जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा वो बाइनरी की बिट पैटर्न की फॉर्म में स्टोर होगा. तो 513 का बाइनरी क्या होगा? 512. So it will be like this, 100 and then 0000 like this. Okay. So this will be the binary for 513, and this integer takes 16 bytes. So this number will be stored in 16 bits. Okay. So it will be like this. 16 bits. Okay, so these are the 16 bits, which means how now only one cell of memory की एक cell सिर्फ एक ही byte store कर सकती है. Okay, हमें पता है कि memory इस तरह से है और वो cells में divided है. ये मेरी main memory है और अगर memory byte addressable है तो एक cell एक byte की होगी. Okay, इस तरह से memory आपकी divided है तो addresses होंगे 1000, 1001 like this. Okay, तो अब मुझे दो बाइट स्टोर करनी है तो मैं कैसे करूं? पहले कौन सी बाइट स्टोर करूं? मेरा जो प्रॉब्लम है ये है कि पहले मैं हायर बाइट को स्टोर करूं या लोअर बाइट को स्टोर करूं? हायर बाइट और लोअर बाइट का मतलब क्या है? जैसे ये आपका नंबर है 513 और इसको मैंने 16 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है लाइक दिस. ये है 513 16 बिट में. ओके, 513 अगर आप यहाँ से देखोगे दिस इज 513. तो ये है इसकी लोअर बाइट और ये है इसकी हायर बाइट. ओके, दो बाइट है उनमें से एक बाइट लोअर बाइट होगी एक हायर बाइट है. तो लिटिल एंडियन सेज अगर इनको बाइट्स को स्टोर करने के लिए लिटिल एंडियन यूज करते हो, अगर आप लिटिल एंडियन यूज करते हो तो कैसे स्टोर होगा? इन केस ऑफ लिटिल एंडियन lower byte will be stored on lower address. ठीक है, जो lower byte होगी वो lower address पे store होगी और जो higher byte होगी वो higher address पे store होगी. ओके, इस तरह से higher address एंड lower address का मतलब क्या है? 1000 क्या है? lower address है एंड 1001 higher address है. इसका मतलब सिंपली ये है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिटिल एंडियन यूज करता हूँ तो लोअर बाइट जो है वो लोअर एड्रेस पे स्टोर होगी, यानी कि जो ये बाइट है ये 1000 पे स्टोर होगी और जो ये बाइट है ये 1001 पे स्टोर होगी इस तरह से. ओके, तो उसको अगर मैं मेमोरी के अंदर देखता हूँ तो पहले क्या स्टोर होगा? ये. ओके, उसके बाद में सेकेंड बाइट पे स्टोर होगा आपका लाइक दिस. तो ये 16 बिट का 513 नंबर ऐसे स्टोर होगा अगर मैं लिटिल एंडियन यूज करता हूँ, और अगर मैं बिग एंडियन यूज करता हूँ तो उल्टा होगा. सो इन केस ऑफ बिग एंडियन क्या होगा? आपका लोअर बाइट विल बी स्टोर्ड ऑन दी हायर एड्रेस। जो लोअर बाइट होगी वो हायर एड्रेस पे होगी और जो हायर बाइट होगी वो आपकी लोअर एड्रेस पे होगी। ओके तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? अब अगर मैं बिग एंडियन यूज़ करता हूँ तो बिग एंडियन के केस में जो हायर बाइट है वो कहाँ स्टोर होगी? लोअर एड्रेस पे। यानी कि ये वाली बाइट जो है ये 1000 पे स्टोर होगी और ये वाली बाइट जो है 1001 पे स्टोर होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि व्हेन यूजिंग द बिग एंडियन असाइनमेंट टू स्टोर अ नंबर द साइन बिट ऑफ द नंबर इज स्टोर्ड इन विच बाइट। मैं साइन बिट को किसके साथ में रिप्रेजेंट करूँ? अगर नंबर मेरा ऐसे है -513 तो साइन बिट के लिए भी एक अलग बिट चाहिए होगी 1। ओके स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से होगी। तो जो आपका बिग एंडियन है उसमें जो साइन बिट होगी वो हमेशा याद रखना हायर बाइट के साथ में स्टोर होगी। हायर बाइट कौन सी है? ये। और इसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? लोअर एड्रेस पे। तो इन केस ऑफ बिग एंडियन हम साइन बिट को हायर बाइट के साथ में स्टोर करेंगे। इन केस ऑफ लिटिल एंडियन हम जो साइन बिट होगी उसको लोअर बाइट के साथ में स्टोर करेंगे। तो साइन बिट ऑफ द नंबर इज स्टोर्ड इन हायर बाइट ऑफ द वर्ड। Now question number 53. To get the physical address from the logical address generated by CPU we use what? तो हमें पता है कि CPU हमेशा वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है। पहली चीज़ ये कॉन्सेप्ट है कि CPU हमेशा वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा। लेकिन मेमोरी कैसी है आपके पास? मेमोरी फिजिकल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी सिर्फ फिजिकल एड्रेस समझती है। तो आपको उस एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो अभी सीनेरियो कुछ ऐसे हैं। यह है आपका CPU एंड CPU ने एड्रेस जनरेट किया वर्चुअल एड्रेस। ये हम कल भी देख चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वर्चुअल एड्रेस दो पार्ट्स में है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। अब आप क्या करते हो? इस वर्चुअल एड्रेस को लेके जाओगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास में एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगी? इसको कन्वर्ट कर देगी फिजिकल एड्रेस में। और फिजिकल एड्रेस क्या होगा? फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। क्योंकि जो आपकी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वो फ्रेम्स में डिवाइडेड है। हमेशा याद रखना जो मेन मेमोरी होगी वो फ्रेम्स में डिवाइडेड होगी और जो वर्चुअल मेमोरी होगी वो पेजेस में डिवाइडेड होगी। ओके तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं है, पेज टेबल ही है। ओके पेज टेबल से और कुछ और चीज़ें हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम यही है कि वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी वी यूज व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी? TLB, कैशे, बफर और रजिस्टर्स। तो अब ये मेमोरी कहाँ कहाँ है? जो रजिस्टर्स है वो CPU के अंदर है। ओके बफर कहाँ है? वो इंटरफेसेस के अंदर है, इंटरफेस के अंदर या मेमोरी के अंदर हर जगह बफर है। बफर एक बहुत ही छोटी यूनिट है स्टोरेज की। TLB क्या है? TLB की फुल फॉर्म है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये स्मॉल कैशे है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के लिए यूज़ करते हैं इसको, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। TLB हम यूज़ करते हैं पेज टेबल को स्टोर करने के लिए और पेज टेबल को यूज़ करते हैं एड्रेस कन्वर्जन के लिए वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। अब ये हमारे पास में CPU है और CPU बार बार मेमोरी एक्सेस करता है कुछ भी डेटा इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए या सब कुछ भी करने के लिए। कुछ भी डेटा अगर उसको स्टोर करना है, रीड करना है, मेमोरी से करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मेमोरी और CPU के बीच में कैश मेमोरी रखते हैं जिससे कि जो नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस हैं वो घट जाए प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम कम हो जाए। ओके क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि प्रोग्राम जो है वो मेमोरी एक्सेस ही कर रहा होगा। तो अगर आप मेमोरी का एक्सेस टाइम कम कर पाएँ तो परफॉर्मेंस CPU की और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कैशे क्या है? बहुत ही फास्ट एक्सेस मेमोरी है और वो स्टैटिक रैम से बनी हुई है, इसीलिए वो फास्ट है और एक्सपेंसिव भी है। क्योंकि स्टैटिक रैम में हमें बताया कि फ्लिप फ्लॉप्स एंड ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और जो नॉर्मल डायनेमिक रैम होगी उसमें आपके ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स लगे होंगे। तो जो आपका डेटा होगा वो कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी है जिसको हम CPU और मेन मेमोरी के बीच में रखते हैं जिससे कि जो बहुत ही ज़्यादा CPU कोई भी डेटा जो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है उसको हम कैश मेमोरी के अंदर रख लेते हैं। ये लूप के टाइम पे बहुत काम आएगा। अगर आपके किसी प्रोग्राम के अंदर लूप है तो जो लूपिंग वेरिएबल है हम उसको मेमोरी में ना रख के कैश में रखते हैं क्योंकि हमें बार बार वो लूपिंग वेरिएबल मॉडिफाई करना है, इसलिए हम उसको कैश मेमोरी में रखते हैं। तो कैश मेमोरी में हम वही चीज़ रखते हैं जिसको हमें बार बार एक्सेस करना है, रिसेंटली एक्सेस्ड डेटा। तो इसका आंसर है ए, कैश मेमोरी। फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू सेट्स ऑफ फाइनाइट साइज कॉल्ड एज फ्रेम्स। ओके हमेशा याद रखना जो फिजिकल मेमोरी होगी वो फ्रेम्स में डिवाइडेड है और जो वर्चुअल मेमोरी होगी वो पेजेस में डिवाइडेड है। कैश मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ओके तो जो पेजेस, जो पेज टर्म है वो आपकी रिलेटेड है किससे? वर्चुअल मेमोरी से। जो वर्चुअल मेमोरी होगी वो पेजेस में डिवाइडेड है, इक्वल साइज पेजेस, और जो ब्लॉक्स हैं वो कैश के अंदर है। कैश मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। पेज का साइज एंड फ्रेम का साइज सेम होगा हमेशा। ओके, पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज। तो फिजिकल मेमोरी जो है वो फ्रेम्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 56, इन अ सिस्टम विच हैज 32 रजिस्टर्स द रजिस्टर आईडी इज लॉन्ग इज हाउ मेनी बिट लॉन्ग। तो आपके पास में 32 रजिस्टर्स है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो रजिस्टर आईडी और यू कैन से रजिस्टर का एड्रेस कितने बिट का होगा। ओके, ये पूछ रहा है कि रजिस्टर का एड्रेस कितने बिट का होगा। तो सिंपल लॉग बेस टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 32। सिंपली क्या हो गया, लॉग बेस टू 2 to the power 5 और यू कैन से 5 log base 2 2 equals to 5। सो 5 बिट्स चाहिए आपको एड्रेस करने के लिए रजिस्टर्स को। तो अगर कहीं भी ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि अगर लेट्स से मेमोरी का साइज है आपका 4 GB, तो एड्रेस कितने बिट का होगा। एड्रेस सिंपली कितने बिट का होगा, इसको पावर में कन्वर्ट कर लो, 2 to the power 32। क्यों, जीबी मीन्स 2 to the power 30 एंड 4 मीन्स 2 to the power 2, दैट्स वाई 2 to the power 32 इज 4 GB। सो जो 32 बिट है वो आपका एड्रेस की बिट्स हो गई। मीन्स क्या है कि एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 बिट्स का आपका रजिस्टर का एड्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द टू फेसेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन आर। तो एक इंस्ट्रक्शन के दो ही फेसेस होते हैं। पहले क्या करता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, इसको बोलते हैं फैच साइकिल। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन साइकिल। तो दो ही साइकिल्स हैं। विदाउट इंटरप्ट की अगर बात करें तो एक प्रोग्राम होगा, उसमें बार बार इंस्ट्रक्शन फैच होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यही काम करेगा। तो बाकी जो आपकी स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोड, राइट बैक, वो सब स्टेजेस कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। जो इंस्ट्रक्शन डिकोड है, ऑपरेंट फैच, ये सब जो साइकिल्स हैं इंस्ट्रक्शन की वो फैच साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, दो साइकिल्स हैं। अगर ब्रॉडली बात करें, ब्रॉडली दो साइकिल्स हैं, फैच साइकिल और दूसरी साइकिल है आपकी एग्जीक्यूशन साइकिल। तो पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फैच साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैच होगा, उसके बाद में डिकोड होगा, फिर ऑपरेंड फैच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये सब चीजें होंगी। तो नॉर्मली दो साइकिल्स हैं, इंस्ट्रक्शन फैच एंड एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58, द इंस्ट्रक्शन फैच फेसेस एंड्स विद व्हाट। तो इंस्ट्रक्शन फैच, जब आप इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे होते हो तो वो एंड कैसे होगा। अब इंस्ट्रक्शन फैच का पूरा एक प्रोसेस है। इनिशियली लेट्स से आप सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसको फैच करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ से फैच करना पड़ेगा, मेमोरी से। फैच करने का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रजिस्टर के अंदर लेके आओ। तो हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, जो सीपीयू ने जनरेट किया है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो कहाँ होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उस एड्रेस को दे देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, MER, क्योंकि MER रजिस्टर ही डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, मेमोरी बस से। PC कनेक्टेड नहीं है, PC जो है वो इंटरनल बस से कनेक्टेड है। तो MER जो है, जो MER रजिस्टर है वो ऐसे इंटरमीडिएट काम कर रहा है प्रोग्राम काउंटर और आपकी मेमोरी के बीच में, क्योंकि जो MER है वो इंटरनल बस से भी कनेक्टेड है। इंटरनल बस मीन्स जिससे सीपीयू के अंदर के कंपोनेंट्स कनेक्टेड है आपस में। सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स। और एक एक्सटर्नल बस है। एक्सटर्नल बस मतलब क्या है कि जिससे सीपीयू बाकी सब डिवाइस से कनेक्टेड है। तो MER क्या करेगा, MER के पास में अब एड्रेस आ गया है, तो अब फाइनली MER जिस डायरेक्टली कनेक्टेड है एड्रेस बस से, और एड्रेस बस कनेक्टेड है मेमोरी से। तो मेमोरी के पास जाओगे, MER पे जो भी आपका इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है आप वो उठा के लाओगे और उसको रखोगे MDR के अंदर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ओके, और कभी कभी इसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। अब MDR के अंदर इंस्ट्रक्शन आ गया है, MDR क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को दे देगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, IR। ठीक है, तो ये फैच साइकिल होगी। प्रोग्राम काउंटर इस वैल्यू को MER के अंदर रखते साथ ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हमेशा पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए। तो ये कह रहा है कि प्लेसिंग द डेटा फ्रॉम द एड्रेस इन MER टू MDR, नो, ये बिल्कुल बीच में है, अब इंस्ट्रक्शन पूरा फैच नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा, प्लेसिंग द एड्रेस ऑफ द डेटा इन टू MER, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है। कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटा एंड प्लेसिंग इट स्टोरेज, नो, डिकोडिंग द डेटा इन MDR एंड प्लेसिंग इट इन AR, इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। लास्ट में ही तो हो रहा है ना, MDR में जो इंस्ट्रक्शन आया है वो IR को दे रहे हैं, फिर IR डायरेक्टली कनेक्टेड है डिकोडर से, जिसमें इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा। इंस्ट्रक्शन फैच के बाद में हम इंस्ट्रक्शन डिकोड करते हैं। Question number 59. When using branching, the usual sequencing of the program counter is altered. A new instruction is loaded which is called as what? तो जब ब्रांच होगा, ओके, ब्रांच का मतलब क्या है? लेट्स से आपके पास में मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर थे लाइक दिस. ये मेमोरी है आपकी. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I1 स्टोर्ड है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I2 स्टोर्ड है, इंस्ट्रक्शन I3 स्टोर्ड है. ठीक है, लाइक दिस इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास में मेमोरी के अंदर और उनका एड्रेसेस हैं इस तरह से 1000, 1001, 1002, 1003 एंड 1004. तो अभी क्या हो रहा है, लेट्स से इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, I1 इज एग्जीक्यूटिंग. तो जिस टाइम I1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है? प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया कि हमेशा पॉइंट करता है अगले इंस्ट्रक्शन को. तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 1001. ठीक है, लेट्स से मान रहा हूँ कि 1 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन है. तो 1001 अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है जिस टाइम पे I1 एग्जीक्यूट हो रहा है. तो जो सिक्वेंसली अगर एग्जीक्यूट होगा तो सिक्वेंशियली क्या होगा, अब I2 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, I2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस टाइम पे 1002. अब इमेजिन करो कि 1002 जो इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन था आपका इस तरह से जंप 3 PC. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था. अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन है जंप इंस्ट्रक्शन. अब ये नॉर्मल जो सीक्वेंस चल रहा था इंस्ट्रक्शन का, पहले I1 हुआ, फिर I2 हुआ, फिर I3, इस तरह से सीक्वेंस में चल रहे थे. लेकिन ये इंस्ट्रक्शन इसका सीक्वेंस बदल देगा पूरा का पूरा. जिस टाइम I3 एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है? जब I3 एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि ये वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 1003. अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगा? ये कहेगा जंप इफेक्टिव एड्रेस किस पे जंप करना है, 1003 प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है प्लस ये कर देंगे 3, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है. तो ये करेगा जंप 1006 पर. ठीक है, तो क्या होगा, जो बीच में I4 I5 था और इसके बाद में कोई इंस्ट्रक्शन था, लेट्स से I6 I7 और एड्रेस था 1005 1006, तो भी सबको स्किप कर देगा इनको और डायरेक्टली जंप कर जाएगा I7 पे. इसको बोलते हैं टारगेट एड्रेस. ठीक है, तो ब्रांच टारगेट और यू कैन से टारगेट एड्रेस. तो अगर कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन कहीं नॉर्मल सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दे रहा है, इसको बोलते हैं जंप इंस्ट्रक्शन. तो ये कह रहा है कि व्हेन यूजिंग ब्रांचिंग द यूजुअल सीक्वेंसिंग ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज अल्टर्ड, अ न्यू इंस्ट्रक्शन इज लोडेड विच इज कॉल्ड एज जंप इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इसकी वैल्यू को, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करके और नॉर्मल सीक्वेंस जो है वो भर दे, वो आपका डिस्टर्ब कर देगा. तो वो जंप इंस्ट्रक्शन है. एक्चुअली ये पूछ रहा है कि न्यू इंस्ट्रक्शन जो लोड हुआ है वो कौन सा होगा. जो न्यू इंस्ट्रक्शन लोड हुआ है उसको बोलते हैं ब्रांच टारगेट. ओके, नॉट डी. ब्रांच टारगेट का मतलब ये है कि जंप करने के बाद में आप जहाँ पे जा रहे हो उसको बोलते हैं ब्रांच टारगेट, जो टारगेट एड्रेस होगा ब्रांच को कैलकुलेट करने के बाद में. क्वेश्चन नंबर 60. द कंडीशन फ्लैग जेड इज सेट टू 1 टू इंडिकेट वॉट. तो Z का मतलब है जीरो फ्लैग. आपके पास में एक फ्लैग रजिस्टर है 8085 और 8086 में, इस तरह से 8 बिट का एक फ्लैग रजिस्टर है, उसके अंदर फ्लैग्स हैं. फ्लैग हमेशा याद रखना 1 बिट का होगा, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी. तो इस तरह से फ्लैग्स हैं, साइन, फिर जीरो फ्लैग, फिर पैराइटी फ्लैग, कैरी फ्लैग. ओके, और इस तरह के कई सारे फ्लैग्स हैं आपके पास में. तो साइन फ्लैग कब सेट होगा, जब साइन आपका नेगेटिव होगा. जीरो फ्लैग कब सेट होगा, जब अगर आपने दो अरिथमेटिक ऑपरेशन किए और उनका रिजल्ट जो है जीरो है. अगर रिजल्ट जीरो हुआ तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा. पैराइटी मींस अगर नंबर ऑफ वंस आपके रिजल्ट में, लेट्स से इवन पैराइटी अगर आप यूज कर रहे हो, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैराइटी बिट जो है वो सेट हो जाएगी. कैरी बिट कब सेट होगी, जब आपने 2 नंबर को एडिशन किया और कैरी आ रहा है उनमें, तो कैरी जो आपकी कैरी बिट होगी वो भी सेट हो जाएगी. फिर आपके पास में एक ओवरफ्लो फ्लैग होगा V. ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होगा, जब कैरी इन एंड कैरी आउट डिफरेंट होंगे. तो इस तरह से अब ये पूछ रहे हैं जीरो फ्लैग के बारे में. तो अगर जीरो फ्लैग सेट हुआ इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट जो है वो जीरो है. द ऑपरेशन हैज रिजल्टेड इन एन एरर, नो. द ऑपरेशन रिक्वायर्स एन इंटरप्ट कॉल, द रिजल्ट इज जीरो, सी इज द राइट आंसर. विच प्रोग्राम कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो असेंबली लैंग्वेज में, लेट्स से आपने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में, सोर्स प्रोग्राम, अब आपको उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं असेंबलर. असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज में, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज या कह सकते हो मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किस तरह से होंगे, इंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे ऐड R1 R2, ये निमोनिक्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन होंगे। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ करते हैं। तो असेंबलर क्या करता है, हर एक निमोनिक के इक्वालेंट एक बाइनरी पैटर्न दे देगा आपको लाइक दिस, ठीक है। ये बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो असेंबलर को हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में करने के लिए, और कंपाइलर को यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव एड आर कॉल्ड एज वॉट, जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंस्ट्रक्शन है मूव एड स्टोर लाइक दिस जम्प, ये सब क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन है और इन सबको बोलते हैं निमोनिक्स। और एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, ऑपरेशन कोड इसको हम ऑप कोड बोलते हैं, और ऑपरेंड। तो जो आपका ऑप कोड है वो ये बताएगा कि ऑपरेशन क्या होना है, एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन होना है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है या कोई शिफ्ट ऑपरेशन या रोटेट ऑपरेशन है, ये ऑप कोड बताएगा, ऑपरेशन कोड। तो इन सब को बोलते हैं ऑपरेशन कोड। क्वेश्चन नंबर 63, द अल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन एड 5 R1। तो जैसे मैंने कल भी बात की थी, अगर कहीं पे भी किसी के साथ में हैश लगा हुआ है तो वो वैल्यू है, उसको बोलते हैं इमीडिएट वैल्यू, ना कि वो एड्रेस है। अगर हैश ना लगा हो तो उसको बोलेंगे एड्रेस। तो जब 5 लगा हुआ है, हैश लगा हुआ है 5 के साथ में, इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेस, इमीडिएट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसी सेक्शन का मतलब ये है कि इमीडिएटली ऐड करना है R1 में 5, नॉर्मली इस सेक्शन का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इस सेक्शन को अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको हैश नहीं लगाना तो आप क्या लिख सकते हो, ऐड के साथ में ही आई लगा सकते हो, ऐड इमीडिएट 5 R1। तो अब भी ये जो आपकी मशीन होगी वो इसको एज ए इमीडिएट वैल्यू लेगा, क्यों, क्योंकि इस आई की वजह से। अगर इंस्ट्रक्शन सिंपली होता है ऐसे ऐड 5 R1, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। अब ये क्या बन गया, अब ये एड्रेस है, क्योंकि ना तो आपने आई इंक्लूड किया है ना आपने हैश इंक्लूड किया है, तो ये एड्रेस बन गया है। तो अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐड आई 5 R1। क्वेश्चन नंबर 64, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम शुड बी वॉट। तो आपका सोर्स प्रोग्राम है और हमें पता है कि लास्ट में हम क्या लिखते हैं। जैसे लेट से मैंने एक प्रोग्राम लिखा मेन, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया लेट से एफ, एंड फिर मैंने एफ के फंक्शन की डेफिनेशन लिखी कुछ, और लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न। रिटर्न क्यों, क्योंकि इसे किसी ने कॉल किया है, किसी मेन फंक्शन ने कॉल किया है, अब इसको वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे इसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन था a = a++ a+b, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है हर एक फंक्शन के एंड में, ताकि आप जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस जा सको। तो जो आपकी सब रूटीन कॉल है, ये क्या है, सब रूटीन है जो मेन फंक्शन कॉल कर रहा है। तो सब रूटीन कॉल जो है हम दो तरह से दो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं मशीन लेवल पे, किस किस की वजह से, कॉल एंड रिटर्न, ठीक है, दो इंस्ट्रक्शन है। तो जब फंक्शन कॉल होगी तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो रिटर्न एड्रेस है, अब जिस टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ होगा, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पुश कर देगा स्टैक पे। तो कॉल क्या करता है, पुश करेगा रिटर्न एड्रेस स्टैक पे। जब आप रिटर्न करोगे तो वो स्टैक जो आपने एड्रेस पुश किया था वो पॉप करोगे और वापस उस एड्रेस पे पहुँच जाओगे, क्योंकि आपको ये क्योंकि ये फंक्शन कॉल होते ही आप क्या होगा, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ये सब एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको वापस यहाँ जाना है, इसीलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, द असेंबलर स्टोर्स ऑल द नेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन सिंबल टेबल, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, सिंबल टेबल में स्टोर करेगा, जो आपके जितने भी उसको नई वैल्यूज मिलेगी, आइडेंटिफायर्स मिलेंगे, वो सब कहाँ जाएंगे, सिंबल टेबल में। क्वेश्चन नंबर 66, द रिटर्न एड्रेस ऑफ द सब रूटीन इज पॉइंटेड टू बाय। रिटर्न एड्रेस जिसमें मैंने अभी बात करी, रिटर्न एड्रेस कहाँ होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, ताकि आपने जहाँ से प्रोग्राम स्टॉप किया था वहाँ से आप वापस आ सको। द लोकेशन टू रिटर्न टू फ्रॉम द सब रूटीन इज स्टोर्ड इन विच रजिस्टर, ओके, ये सेम क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर। द एडवांटेज ऑफ आईओ मैप डिवाइसेज टू मेमोरी मैप डिवाइसेज इज व्हाट। तो अब हमें क्या करना है, हमें आईओ डिवाइसेस की एड्रेसिंग करनी है, एड्रेसिंग का मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास में जो आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो सिंगल बस से कनेक्टेड हैं। ये सिंगल बस है मेरी सिस्टम बस, और इससे कनेक्टेड है CPU, मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। अब क्या हो रहा है, अब CPU ने कोई एड्रेस सेंड किया, अब वो एड्रेस क्योंकि सिंगल बस की इस बस के थ्रू जाएगा और ये कॉमन बस है तो एड्रेस इसके पास भी जाएगा और ये एड्रेस इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पे कोई डिवाइस इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एड्रेसेस जो हैं वो आइसोलेट हो जाए, मतलब एड्रेस ऐसा ये प्रॉब्लम ना है, ये एम्बिग्विटी है जो कि डेंजरस है। तो इसके हमने तीन तरीके निकाले हैं, IO मैप्ड डिवाइस, IO मैप्ड IO एंड मेमोरी मैप्ड IO एंड लाइक दिस, तीन चीज़ें हैं हमारे पास में। तो मेमोरी मैप ने हमने क्या किया, हमारे पास में तीन ऑप्शन है, या तो हम क्या करें कि अलग अलग बस रखें कि CPU मेमोरी से अलग बस के थ्रू कनेक्टेड है एंड CPU IO से अलग बस के थ्रू कनेक्टेड है। उससे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। जब भी CPU को मेमोरी से कुछ एक्सेस करना होगा तो मेमोरी बस पे रखेगा, जब उसको IO से कुछ एक्सेस करना होगा तो वो IO बस पे रखेगा। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर आप दो बस लगाते हो सिस्टम के अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, या तो मैं कर सकता हूँ सेपरेट बस या फिर सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, या फिर सेपरेट कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है, जब CPU यहाँ से कुछ सेंड करेगा, लेट्स से इसने कहा 1000 और एक कंट्रोल सिग्नल रीड किया, रीड। ठीक है, तो दो चीज़ भेजता है, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल। एड्रेस जाएगा एड्रेस लाइन के थ्रू एंड कंट्रोल सिग्नल जाएंगे कंट्रोल लाइन के थ्रू। ठीक है, ये सिस्टम बस है, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, एड्रेस लाइन्स, डेटा लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स। अब ये जो एड्रेस है, अब आपने इसमें ये तो थोड़ा नहीं बताया कि मुझे ये 1000 जो रीड करना है, रीड ऑपरेशन करना है कि मेमोरी से करना है या IO से करना है। अब ये 1000 IO के पास भी जाएगा और मेमोरी के पास भी जाएगा, तो IO डिवाइस पे जो 1000 पोर्ट नंबर 1000 पे जो भी कनेक्टेड है वो इनेबल हो जाएगा और वो CPU कुछ डेटा सेंड कर देगा, इधर मेमोरी भी कुछ डेटा सेंड कर देगी। तो या तो मैं अलग अलग बस रखूं या फिर कंट्रोल सिग्नल अलग करूँ। अब कंट्रोल सिग्नल अलग करने का मतलब क्या है कि मेरे पास में 4 कंट्रोल सिग्नल हो जाएंगे। अब या तो मेमोरी रीड, आप क्या करोगे, हर एक ऑपरेशन के साथ में स्पेसिफाई करोगे आपको मेमोरी से करना है या फिर IO से करना है, या फिर IO रीड या फिर IO राइट। तो आपने कंट्रोल सिग्नल अलग कर दिए। अब क्या, अब आपको अगर मेमोरी से कुछ एक्सेस करना होगा तो आप क्या करोगे, आप एड्रेस ऐसे सेंड करोगे 1000 मेमोरी रीड, आप ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करोगे, ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करोगे, इस तरह से सेंड करोगे। अगर IO से कुछ रीड करना है तो आप सेंड करोगे 1000 IO रीड, मतलब ये जो 1000 एड्रेस है ये IO के लिए ना कि मेमोरी के लिए। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एड्रेस भी अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो तीन सॉल्यूशन हो गए। उनमें से उन तीन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अगर मैंने एड्रेस आइसोलेट कर दिया, एड्रेस का मतलब आइसोलेट करने का मतलब क्या है कि मैंने अब ये कह दिया कि जो कुछ एड्रेस की रेंज 1000 से लेके एंड 0FFF हेक्साडेसिमल में यहाँ तक के जो एड्रेसेस वो मेमोरी के लिए हैं एंड 0FFF से लेके एंड FFF तक ये IO के लिए हैं। ठीक है, तो अब CPU कोई भी एड्रेस सेंड करेगा, आपको पता है कि एड्रेस किसके लिए आया है। अगर एड्रेस आपका 0FFF से छोटा है तो मेमोरी के लिए आया है, तो मेमोरी इनेबल होगी सिर्फ, और अगर एड्रेस आपका 0FFF से बड़ा है तो IO के लिए आया है तो IO इनेबल होगा। इसको बोलते हैं मेमोरी मैप्ड IO। ओके, जब आपने एड्रेसेस अलग अलग कर दिए इसको बोलते हैं मेमोरी मैप्ड IO। इसको बोलते हैं सेपरेट, जब आपने सेपरेट कंट्रोल सिग्नल किए उसको बोलते हैं IO मैप्ड डिवाइसेस। ठीक है, और सेपरेट बस रख के इसको बोलते हैं आइसोलेटेड IO। तो ये पूछ रहा है कि इन दो में क्या, IO मैप डिवाइसेस में एंड मेमोरी मैप में क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, IO मैप डिवाइसेस की मेमोरी मैप के मुकाबले में क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप कह सकते हो द फॉर्मर ऑफर्स फास्टर स्पीड ट्रांसफर ऑफ डेटा, देयर डिवाइसेस कनेक्टेड यूजिंग IO मैपिंग हैव बिगर बफर स्पेस, द डिवाइसेस हैव टू डील विद फीवर एड्रेस लाइन्स, नो एडवांटेज एज सच। ठीक है, तो IO मैप डिवाइसेस में क्या हो रहा है कि सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स है लेकिन एड्रेस आपके पास में बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, द डिवाइस कनेक्टेड सिंगल IO मैपिंग हैव बिगर बफर स्पेस। ठीक है, द डिवाइस हैव टू डील विद फीवर एड्रेस लाइन्स, अब एड्रेस लाइन कम होगी। क्वेश्चन नंबर 69, द सिस्टम इज नोटिफाइड ऑफ ए रीड और राइट ऑपरेशन बाय व्हाट। तो अगर सिस्टम को, सिस्टम मींस आप बात कर रहे हो CPU की, अगर CPU को कोई भी रीड और राइट ऑपरेशन करना है तो वो किसके थ्रू करता है। मैंने अभी बताया कि अगर वो उसको रीड या राइट स्पेसिफाई करना है तो वो कंट्रोल सिग्नल के थ्रू करता है, इनको बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। और कंट्रोल सिग्नल्स हमेशा याद रखना जाएंगे कंट्रोल लाइन के थ्रू। कंट्रोल लाइन का काम यही है कि कंट्रोल सिग्नल्स को रिसीव करें। तो आप एड्रेस के साथ में कंट्रोल सिग्नल भी सेंड करते हो कि इस एड्रेस से रीड करना है या इस पर राइट करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिग्नल चीज़ बताती है। तो रीड और राइट ऑपरेशन नोटिफाई करने के लिए हम कंट्रोल सिग्नल यूज़ करते हैं। अपेंडिंग एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ द एड्रेस, नो। इनेबलिंग द रीड और राइट बिट्स ऑफ द डिवाइसेस, नो। रेजिंग एन इंटरप्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सेंडिंग ए स्पेशल सिग्नल अलॉन्ग द बस, दिस इज ट्रू। स्पेशल सिग्नल क्या है? वो कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है, जो सिस्टम बस का पार्ट है। सिस्टम बस के अंदर वही चीज़ है, कंट्रोल सिग्नल्स भी हैं, कंट्रोल लाइंस भी है। कंट्रोल लाइंस के थ्रू आप कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हो, स्पेशल सिग्नल उन्हीं को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, टू ओवरकम द लैग इन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द आईओ डिवाइसेस एंड प्रोसेसर वी यूज इंटरप्ट्स, स्टेट फ्लैग्स, बफर्स और एक्सेप्शंस। सो इन दिस केस वी यूज इंटरप्ट सिग्नल्स। अगर इंटरप्ट ना हो तो क्या होगा? अब हमें पता है कि जो आईओ डिवाइसेस हैं वो बहुत ही स्लो डिवाइसेस हैं और प्रोसेसर बहुत फास्ट डिवाइस है, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी स्पीड मिसमैच होगा बहुत बड़ा। ऑपरेटिंग स्पीड अलग अलग होगी क्योंकि आईओ डिवाइसेस की स्पीड जो है वो बहुत ही कम है और सीपीयू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोसेसर, तो उनकी स्पीड में मिसमैच होगा। उस स्पीड को मिसमैच को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्ट सिग्नल यूज़ करते हैं कि सीपीयू को, लेट से, अब सीपीयू एंड आपके आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक साथ। ये है आपके, लेट से, आईओ इंटरफेस, और आईओ इंटरफेस से कनेक्टेड है आपके आईओ डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पर आपके आईओ डिवाइसेस हैं जो एक्चुअल डिवाइसेस हैं। तो आईओ इंटरफेस कनेक्टेड है सिस्टम बस से सीपीयू के साथ में, ठीक है, लाइक दिस। तो सीपीयू को अगर कुछ भी आईओ ऑपरेशन करना होता है तो सीपीयू सिंपली आईओ इंटरफेस को बताएगा कि आपको ये ऑपरेशन करना है और फिर सीपीयू अपना काम करने चला जाएगा, उसके लिए वेट नहीं करेगा। जब आईओ इंटरफेस अपना काम कर चुका होगा तब वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। तो इंटरप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे? सीपीयू की वेटिंग बचा दे रहे हैं, क्योंकि सीपीयू अगर ऐसा करे कि सीपीयू काम देने के बाद में वेट करता रहे तो उसको बहुत वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आईओ इंटरफेस जो है वो स्लो है, आईओ डिवाइसेस बहुत स्लो हैं। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्ट लाइन यूज़ करते हैं, इंटरप्ट सिग्नल्स। तो सीपीयू के पास में दो लाइन्स हैं, एक है INTR जिसके थ्रू वो इंटरप्ट को, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, और एक है INTA, इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट, जिसके थ्रू वो इंटरप्ट को एक्नोलेजमेंट करता है, यानी कि आंसर करता है। तो सीपीयू कंट्रोल इंटरप्ट लाइंस और इंटरप्ट सिग्नल यूज़ करेगा उस स्पीड के मिसमैच को बचाने के लिए। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज व्हाट। तो अगर आपने वो, लेट से, सीपीयू को कोई आईओ डिवाइस यूज़ करना है, ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया सीपीयू है और सीपीयू को आईओ डिवाइस यूज़ करना है, तो सीपीयू क्या करता है? दो तीन तरीके हैं आपके पास में। या तो ये हो कि आईओ डिवाइस जो है वो खुद इन्फॉर्म कर दे सीपीयू को जब वो फ्री हो, ठीक है। आईओ डिवाइस, अब मैंने कहा यहाँ पे इंटरफेस है, आईओ इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या है? इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यह है आपका, लेट से, आईओ इंटरफेस। तो इसके अंदर एड्रेस रजिस्टर्स हैं, डेटा रजिस्टर्स हैं, काउंट रजिस्टर्स हैं, एक स्टेटस रजिस्टर है। तो इसमें क्या होगा? एक स्टेटस बिट है, तो अगर सीपीयू बिजी है तो स्टेटस बिट 1 होगी। अगर सीपीयू फ्री, अगर आईओ डिवाइस बिजी है तो स्टेटस बिट जो है वो 1 होगी। यहाँ पे आईओ डिवाइसेस हैं। और अगर आपका जो आपका आईओ डिवाइस है अगर वो फ्री है तो स्टेटस बिट जो है वो 0 होगी। तो दो तरीके हैं, जब या तो इंटरफेस जो है वो सीपीयू को इन्फॉर्म कर दे, जब भी ये स्टेटस बिट जो है अगर 0 हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि आईओ डिवाइस फ्री हो गया। तो जैसे ही आईओ डिवाइस फ्री हुआ, आईओ इंटरफेस जो है वो सीपीयू को इंटरप्ट भेज देगा कि आई एम फ्री, ठीक है, कि मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। या फिर दूसरा तरीका ये कि सीपीयू जो है वो बार बार स्टेटस बिट को चेक करता रहे, ठीक है, कंटिन्यूसली स्टेटस बिट को चेक करता रहे, कब ये 0 होगी, कब 0 होगी। जब भी 0 हो जाएगी तो यूज़ कर लेगा। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं आईओ, उस जो ये पोलिंग कर रहा है, जो सीपीयू बार बार स्टेटस रजिस्टर को चेक कर रहा है लूप के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ। तो आईओ ऑपरेशन तीन तरह से हो सकते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ, या फिर मेमोरी मैप्ड आईओ, या फिर डीएमए के थ्रू, ठीक है। तो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, प्रोग्राम्ड आईओ एंड डीएमए, नॉट मेमोरी मैप्ड। मेमोरी मैप्ड इज डिफरेंट थिंग, दैट इज बस कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक, ओके। दीज टू आर बस कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक्स। तो आईओ डिवाइस को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं, प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन एंड डीएमए। जो मैंने अभी बताया कि जब इसकी इंटरफेस की स्टेटस बिट जो है वो 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इंटरफेस खुद इंटरप्ट कर देगा सीपीयू को। वो टेक्निक को बोलते हैं इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, ठीक है। तो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ जो है वो बहुत ही स्लो है, सबसे बेकार है, क्योंकि ये सीपीयू का बहुत टाइम वेस्ट करेगा स्टेटस बिट को चेक करने में, ठीक है। सीपीयू क्या करेगा? लूप के अंदर स्टेटस बिट को चेक करता रहेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, द मेथड विच ऑफर्स हायर स्पीड ऑफ आईओ ट्रांसफर इज व्हाट। तो सबसे जो आईओ डिवाइस का सबसे हायर मेथड है वो है आपका डीएमए, क्योंकि डीएमए क्या कहता है कि लेट से आपको डीएमए का मेन काम क्या है, डीएमए को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए एक डिवाइस है। डीएमए क्या करता है, डीएमए का काम है कि हार्ड डिस्क और रैम के बीच में डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है। तो हार्ड डिस्क और रैम के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो डीएमए करेगा, उसके लिए प्रोसेसर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है जब आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा हार्ड डिस्क से रैम में, या तो आप सीपीयू को इन्वॉल्व करो या सीपीयू को ना इन्वॉल्व करो। अगर आप सीपीयू को इन्वॉल्व कर रहे हो डेटा ट्रांसफर के लिए तो सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीपीयू का जो मेन काम है, सीपीयू का मेन काम है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, ना कि डेटा ट्रांसफर में हेल्प करना। तो अगर आप सीपीयू को यूज़ कर रहे हो डेटा ट्रांसफर के लिए तो सीपीयू की साइकिल्स वेस्ट हो रही हैं। अगर लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीपीयू को यूज़ ना भी करो, ठीक है। वो तरीका क्या है, वो डीएमए है। डीएमए एक स्मॉल प्रोसेसर है, इसको आईओ प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये स्मॉल प्रोसेसर है सिर्फ जो आपके डेटा ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शन हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। जो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है उसमें बार बार आपको सीपीयू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्रोग्राम कंट्रोल में भी करना पड़ेगा। मेमोरी मैपिंग तो ऑप्शन से ही बाहर है, क्योंकि ये तो बस कॉन्फ़िगरेशन की टेक्निक है। तो इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम्ड आईओ एंड डीएमए के थ्रू आप आईओ ऑपरेशन कर सकते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल आईओ में सीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, सबसे बेकार यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का। इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होगा, हर एक बाइट के बाद इंटरप्ट करेंगे, ओके। लेकिन इसमें सीपीयू इंटरप्ट, इसमें इंटरप्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीपीयू बार बार चेक करता रहेगा। लेकिन डीएमए में क्या होगा, आप एक बार में बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो बर्स्ट की फॉर्म में। आप एक बार में मेमोरी का जो आपके हार्ड डिस्क है उसमें से एक ब्लॉक उठा के पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर सकते हो मेमोरी के अंदर। एक ब्लॉक नॉर्मली 512 KB का होगा, तो इसमें बहुत सारा डेटा एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। तो डीएमए में सीपीयू का टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रोसेस वेयर इन द प्रोसेसर कॉन्स्टेंटली चेक्स द स्टेटस फ्लैग इज कॉल्ड एज वॉट। जैसे मैंने अभी बताया कि सीपीयू, अगर सीपीयू को कोई डिवाइस एक्सेस करना है, कोई आईओ डिवाइस, तो वह इंटरफेस के पास जाएगा, ठीक है। ये आईओ इंटरफेस है जो कि सीपीयू के बीच में और जो ओरिजिनल आईओ डिवाइस है, जैसे आपका कीबोर्ड है उनके बीच में। कीबोर्ड और ये माउस और ये आपके जो भी डिवाइसेज हैं आईओ डिवाइस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सीपीयू से, बल्कि ये पहले एक इंटरफेस से कनेक्टेड है और इंटरफेस कनेक्टेड है आपका सीपीयू से, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक स्टेटस रजिस्टर है, स्टेटस बिट, जिस उस रजिस्टर के अंदर एक बिट है स्टेटस बिट। तो सीपीयू, अगर ये स्टेटस बिट क्या बता रही है, स्टेटस बिट जो है एक बिट है, अगर ये 1 होगी तो जो आपका आईओ डिवाइस है वो फ्री है। अगर ये 1 होगी तो आईओ डिवाइस बिजी है, अगर 0 होगी तो आईओ डिवाइस फ्री है। तो सीपीयू इसका वेट करेगा स्टेटस बिट का 0 होने का। तो दो तरीके हैं, तो जब स्टेटस बिट 0 हो जाए तो इंटरफेस जो है वो खुद इंटरप्ट कर दे सीपीयू को, या फिर दूसरा तरीका ये कि सीपीयू चेक करता रहे। जब ये स्टेटस बिट जो है वो आपकी 0 हो जाएगी तो सीपीयू आईओ डिवाइस को यूज़ कर लेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिंग, ठीक है, जब आप बार बार इस चीज़ को चेक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 74, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ द कंट्रोल लाइन्स। ओके, जो आपके इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, दो लाइन्स है आपके पास में, इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR एंड INTA, वो दोनों पार्ट हैं कंट्रोल लाइन्स का। क्वेश्चन नंबर 75, द सिग्नल सेंट टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज व्हाट। मैंने जैसे अभी बताया, जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू के पास में दो लाइन्स है INTR एंड INTA। INTR के थ्रू सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल आएगा और INTA के थ्रू सीपीयू जो है वो एक्नॉलेज करेगा उसके इंटरप्ट किसने भेजा है, वो पता लगाने के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लाइन के थ्रू वो जाएगा। और जब चले जाएगा पता किसने इंटरप्ट भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। तो INTA एक ऐसी लाइन है जिसके थ्रू वो इनिशिएट करेगा एक्नॉलेजमेंट। द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर, ओके, फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस। याद रखना, यहाँ डिवाइस से आ रहा है इंटरप्ट, यहाँ सीपीयू से डिवाइस की तरफ जा रहा है एक्नॉलेजमेंट। तो ये कह रहा है कि सेंड टू डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर से डिवाइस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरप्ट्स फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग इंटरप्ट इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंटरप्ट किस में अलाउड है, इंटरप्ट उसी में अलाउड है जहाँ पे आप किसी रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हो बीच में ही। इसका मतलब क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीमिटिव होना चाहिए। प्रीमिटिव का मतलब यही है कि आप किसी रनिंग प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट कर पाओ। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये कर सकते हैं हम, जिसमें बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पर रन कर सकती है, उसको हम बोलते हैं कि प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसमें इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आपकी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 77, अ सिंगल इंटरप्ट लाइन कैन बी यूज टू सर्विस एंड डिफरेंट डिवाइसेस, दिस इज ट्रू और फॉल्स। हम एक सिंगल इंटरप्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरप्ट एक्नॉलेज करने के लिए, ठीक है। तो हम नॉर्मली एक इंटरप्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए। कैसे? यूजिंग द डेजी चेनिंग। आपके पास में एक मेथड है डेजी चेनिंग, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सिंगल इंटरप्ट लाइन के थ्रू सारे के सारे डिवाइसेस सीरियल में कनेक्ट कर दोगे, और आप हर एक डिवाइस से इन सीरियल ये पूछ सकते हो कि किसने इंटरप्ट किया है, ठीक है। जैसे ये आपका CPU है और यहाँ से एक लाइन जा रही है इंटरप्ट की, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके, और CPU करेगा 1 by 1 पोलिंग करेगा, एक एक डिवाइस को पूछेगा कि क्या तुमने इंटरप्ट किया है, क्या तुमने इंटरप्ट किया है, क्या तुमने इंटरप्ट, जिसने भी इंटरप्ट किया होगा वो करेगा, वो अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव कर लेगा, और वो उसका उसके लिए आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन करेगा, ठीक है। CPU हैज 2 मोड्स, प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड, ठीक है। CPU हैज 2 मोड्स, दैट इज प्रिविलेज्ड मोड एंड नॉन प्रिविलेज्ड मोड। इसको आप बोल सकते हो कि यूजर मोड एंड कर्नल मोड ऑल्सो, ओके। दिस इज कर्नल मोड एंड दिस इज यूजर मोड। इन ऑर्डर टू चेंज द मोड फ्रॉम प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज, अगर आपको प्रिविलेज मोड से नॉन प्रिविलेज मोड में चेंज करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर इंटरप्ट की जरूरत है या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। तो आप सिंपली प्रिविलेज मोड से नॉन प्रिविलेज मोड में एंटर कर सकते हो यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यू कैन से यूजिंग द सिस्टम कॉल, ठीक है। जो आपके सिस्टम कॉल्स हैं वही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हैं। तो अगर यूजर प्रोग्राम, लेट से आपको कोई यूजर प्रोग्राम एक्सेस करना है, ठीक है, यूजर, क्योंकि आप प्रिविलेज से अगर नॉन प्रिविलेज में आ रहे हो इसका मतलब क्या है कि यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो यूजर क्या कर सकता है, सिंपली एक सिस्टम कॉल कर सकता है, उसके थ्रू क्या होगा, आपका प्रिविलेज मोड से नॉन प्रिविलेज मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच इंटरप्ट इज अनमास्केबल, इनमें से कौन सा इंटरप्ट अनमास्केबल है, ठीक है। तो 8085 की बात करें, ये सब के सब इंटरप्ट जो है वो 8085 के हैं। तो 8085 में आपके पास में जो इंटरप्ट हैं दो तरह के हैं, जैसे वही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके ऐसे हैं RST 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, और हार्डवेयर इंटरप्ट जो हैं वो 4 हैं, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड ट्रैप को ही आप RST 4.5 भी बोलते हो, ओके। तो ये सब है हार्डवेयर इंटरप्ट। अब ये सब के सब इंटरप्ट जो हैं वो, इनमें से कुछ इंटरप्ट वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं एंड कुछ नॉन वेक्टर्ड हैं। ये वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब ये है कि जिस डिवाइस ने इंटरप्ट किया है, ठीक है। इस नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में, वेक्टर्ड इंटरप्ट में जब अगर आपके पास में इंटरप्ट आएगा, जब CPU के पास में इंटरप्ट आएगा तो CPU ऑटोमेटिकली इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जंप कर जाएगा, उसे कोई एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉन वेक्टर इंटरप्ट में क्या होगा, जिस डिवाइस ने इंटरप्ट किया है उसको सप्लाई करना पड़ेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस, क्योंकि हमें पता है कि हर एक इंटरप्ट के बाद में हमें एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन वह इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR जो है एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बेस एड्रेस भी चाहिए होता है कि वो कहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट के केस में उनके पास में जो आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट होंगे उनका एड्रेस पहले से ही फिक्स है, ठीक है, वो फिक्स लोकेशन से ही रन करेंगे। लेकिन नॉन वेक्टर्ड में जो जिस डिवाइस ने आपको इंटरप्ट किया है वो सब को, उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट जो आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन का बेस एड्रेस है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। RST 7.5 6.5 5.5 एंड ट्रैप, ये चारों के चारों आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट है, याद रखना। जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है वो सिंगल एक ही है, वह है INTR। क्या है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, और बाकी ये सब के सब हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। उसके बाद में आपके पास में मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। मास्केबल नॉन मास्केबल का मतलब क्या है, मास्केबल का मतलब ये है कि अगर आप उस इंटरप्ट लाइन को डिसेबल कर सकते हो दैट इज नॉन एज मास्केबल इंटरप्ट। अगर आप इंटरप्ट लाइन को डिसेबल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इसी तरह से ये 4 इंटरप्ट भी 2 कैटेगरीज में हैं, 7.5 5.5 6.5, ये सब इंटरप्ट जो हैं ये मास्केबल है। मास्केबल का मतलब ये है कि इनको आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन जो RST 4.5 है, जो ट्रैप है, जो ये ट्रैप इंटरप्ट है, ये है नॉन मास्केबल, इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हो, नॉन मास्केबल। दैट मीन्स आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 80। ओके, यहाँ पर कुछ इंटरप्ट्स के नाम है, ये RST 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, और ये हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, तो इनके वेक्टर एड्रेस है। वेक्टर एड्रेस मतलब क्या है कि इनके इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो मेमोरी के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सब क्या है, स्टार्टिंग एड्रेसेस है इन सब इंटरप्ट के लिए। ठीक है, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। इनमें से ये तीनों क्या है, मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, और ये अनमास्केबल इंटरप्ट हैं, और ये चारों के चारों वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। नॉन वेक्टर्ड कौन सा है, INTR। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ कैन द प्रोसेसर इग्नोर अदर इंटरप्ट्स व्हेन इट इज सर्विसिंग वन। तो जब कोई प्रोसेसर एक इंटरप्ट को सर्विस कर रहा है, और हमें पता है कि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है CPU से, तो अगर सबके सब एक साथ इंटरप्ट करते हैं CPU को, तो CPU सिर्फ एक को ही हैंडल कर पाएगा एक बार में, तो वो कैसे इग्नोर करे बाकी सबको। तो या तो अपना इंटरप्ट लाइन को टर्न ऑफ भी कर सकता है, अगर वो आपकी जो इंटरप्ट लाइन है अगर वो मास्केबल है तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हो, बाय टर्निंग ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। ठीक है, बाय डिसेबलिंग द डिवाइसेस फ्रॉम सेंडिंग द इंटरप्ट्स, या आप ये भी कर सकते हो कि जो डिवाइसेस है उनको ही डिसेबल कर दो कि वो इंटरप्ट ना भेज पाए, या फिर बाय यूजिंग एज ट्रिगर रिक्वेस्ट लाइन्स, इसके थ्रू भी आप डिसेबल कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। क्वेश्चन नंबर 81, द DMA डिफर्स फ्रॉम द इंटरप्ट मोड बाय व्हाट। तो DM आप मैंने बताया था कि IO को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं, इंटरप्ट ड्रिवन IO, प्रोग्राम्ड IO, या फिर DMA। तो ये पूछ रहा है कि DMA में और इंटरप्ट ड्रिवन IO मोड में क्या डिफर करता है। इंटरप्ट ड्रिवन IO क्या होगा, इंटरप्ट ड्रिवन में ये होगा कि लेट्स से आपको 1 KB ट्रांसफर करना है हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, हर 4 बाइट के बाद में CPU इंटरप्ट सेंड करेगा। ठीक है, हर 4 बाइट बाद CPU क्या करेगा, CPU जो आपका IO डिवाइस है वो CPU को इंटरप्ट सेंड करेगा, उसके बाद में 4 बाइट ट्रांसफर होगी, फिर CPU जो आपका IO डिवाइस है फिर वो CPU को ट्रांसफर एंड इंटरप्ट करेगा ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, जो पहले आपका लेट्स से ये हार्ड डिस्क है, आपको डेटा ट्रांसफर करना है ऐसे, ये IO इंटरफेस है, और यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क लगी हुई है सिंपल सी फॉर्म में, और यहाँ है आपका मेन मेमोरी। ठीक है, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होना है। तो क्या होगा, पहले हार्ड डिस्क से जो डेटा होगा वो इंटरफेस के पास जाएगा, फिर इंटरफेस सेंड करेगा मेमोरी के अंदर। तो क्या होगा, अब CPU को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क से 4 बाइट आई इंटरफेस के बाद में, इंटरफेस ने कहा कि मेरे पास आई एम रेडी टू सेंड द 4 बाइट्स। ठीक है, तो जब ये रेडी होगा, ये कैसे बताएगा CPU को, ये CPU को बताएगा इंटरप्ट के थ्रू। तो जब CPU को चल जाएगा पता कि हाँ 4 बाइट के लिए रेडी है, तो CPU ट्रांसफर जो है वो इनिशिएट कर देगा, और वो 4 बाइट मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह हर 4 बाइट के बाद में जो इंटरफेस है वो CPU को इंटरप्ट करता रहेगा, तो बहुत सारे इंटरप्ट होंगे। लेकिन DMA क्या करेगा, अब CPU सिर्फ स्टार्टिंग में कहेगा DMA को कि आपको इस एड्रेस से 1 KB ट्रांसफर करना है मेमोरी के अंदर। DMA कहेगा ओके, तो DMA पूरी 1 KB ट्रांसफर करने के बाद में CPU को इन्फॉर्म करेगा कि मैं 1 KB ट्रांसफर कर चुका, सिर्फ एक बार इंटरप्ट करेगा पूरे ट्रांसफर के उसमें। तो इसका द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर फॉर द ऑपरेशन, क्योंकि DMA बहुत ही कम इन्वॉल्व कर रहा है CPU को, और जो आपका इंटरप्ट ड्रिवन मोड है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है CPU को, क्योंकि हर 4 बाइट के बाद में वो इंटरप्ट सेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, द DMA ट्रांसफर्स आर परफॉर्म्ड बाय ए कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज व्हाट। तो DMA जो है वो एक डिवाइस से कनेक्टेड होगा, दैट इज नोन एज DMA कंट्रोलर। ठीक है, DMA कंट्रोल से DMA कनेक्ट होगा, जैसे आपके पास में IO के IO इंटरफेस होते हैं, इसी तरह DMA होगा, DMA कंट्रोलर होगा, जिसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स होंगे, लाइक एड्रेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर, बफर रजिस्टर, तो ये सब चीज़ें होंगी। क्वेश्चन नंबर 83, इन DMA ट्रांसफर्स द रिक्वायर्ड सिग्नल्स एंड एड्रेसेस आर गिवन बाय द। सो DMA में जो अब मैंने कहा कि DMA यूज़ करते हैं हम हार्ड डिस्क से रैम में, या फिर रैम से हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अब ट्रांसफ़र किस लोकेशन से स्टार्ट करना है और किस लोकेशन पे एंड करना है ये कौन बताएगा। मैंने बताया था कि CPU का, पूरे कंप्यूटर का मास्टर कौन है, CPU। तो CPU ही सबको इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम्हें यहाँ से ये करना है, तो CPU ही ऑब्वियसली प्रोसेसर, CPU को प्रोसेसर भी बोलते हैं, तो CPU DMA को एड्रेस देगा कि आपको इस एड्रेस से इतना डेटा ट्रांसफ़र करना है इस मेमोरी के अंदर। तो वो एड्रेस, मैंने बताया कि DMA के जो कंट्रोलर है, DMA कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर्स हैं, क्या क्या रजिस्टर्स हैं, एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, काउंट रजिस्टर। तो जो CPU होगा वो एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस रखेगा और काउंट रजिस्टर में नंबर ऑफ बाइट्स कितने ट्रांसफर करनी है वो रखेगा। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। क्वेश्चन नंबर 84, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द DMA ट्रांसफर द प्रोसेसर इज नोटिफाइड बाय, ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द DMA ट्रांसफर द प्रोसेसर इज नोटिफाइड बाय एक्नोलेजमेंट सिग्नल। ठीक है, तो जब DMA ट्रांसफर कर लेगा, जब DMA अपना डेटा ट्रांसफर कर चुका होगा तो वो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करेगा, इसके थ्रू, इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू। कोई भी डिवाइस होगा जो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करेगा वो इंटरप्ट लाइन के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू द प्रोसेसर बस, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस और नन ऑफ दी मेंशन्ड अबव। तो प्रोसेसर बस जो है वो तो प्रोसेसर की इंटरनल बस है, उससे तो DMA कंट्रोलर नहीं कनेक्टेड है। सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस, सो जो आपका DMA है वो सिस्टम बस से कनेक्टेड है। द टेक्निक वेयर बाय द DMA कंट्रोलर स्टील्स द एक्सेस साइकिल ऑफ द प्रोसेसर टू ऑपरेट इज कॉल्ड एज साइकिल स्टीलिंग। तो जो आपका DMA है वो तीन तरह से काम करता है, DMA तीन मोड में काम करता है, एक तो साइकिल स्टीलिंग मोड, एक बर्स्ट मोड एंड एक ब्लॉक मोड। तो साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या करेगा DMA क्योंकि आपके पास में एक ही बस है, डेटा बस सिर्फ एक ही है और वही डेटा बस CPU को भी यूज़ करनी है और वही डेटा बस DMA को भी यूज़ करनी है, तो उन दोनों के बीच में फाइटिंग होगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब CPU डेटा बस को यूज़ नहीं कर रहा होगा तो DMA यूज़ करेगा, फिर DMA बस को छोड़ देगा, फिर CPU यूज़ कर रहा होगा। तो जो DMA एंड CPU है वो अल्टरनेट वे में डेटा बस को यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग, क्योंकि DMA उस केस में क्या कर रहा है, CPU की साइकिल स्टील कर रहा होता है। बस्ट मोड में क्या होगा, आप CPU से कहोगे होल्ड, CPU को होल्ड सिग्नल सेंड करोगे। इसका मतलब क्या है कि लेट से आपको ट्रांसफ़र करना है 4 KB हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर, तो 4 KB जो है वो बस्ट मोड में ट्रांसफ़र होगा। बस्ट मोड मतलब 4 KB एक बार में ट्रांसफ़र होगा, उसमें बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा उसे। ब्लॉक मोड में क्या होगा कि हार्ड डिस्क का एक ब्लॉक एक बार में ट्रांसफ़र होगा। हार्ड डिस्क का ब्लॉक हो सकता है कि 512 बाइट्स का हो या फिर 256 बाइट्स का हो, तो एक बार में एक ही ब्लॉक ट्रांसफर होगा। यहाँ पर एक बार में सारा का सारा डेटा ट्रांसफर होगा जितना भी आपको पढ़ना है। साइकिल स्टीलिंग मोड में एक साइकिल में जितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो उतना करोगे। ठीक है, तीन मोड है DMA के। क्वेश्चन नंबर 87, द टेक्निक वेयर द कंट्रोलर इज गिवन कंप्लीट एक्सेस टू मेन मेमोरी, जैसे मैंने अभी बताया उसको बोलते हैं बर्स्ट मोड, जब पूरा एक्सेस मिल जाए आपको बस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ए DMA ट्रांसफर देन द प्रोसेस इज टेम्परली सस्पेंडेड, द प्रोसेस कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन, अनदर प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड, या प्रोसेस इज टेम्परली सस्पेंडेड एंड अनदर प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। सो डी इज द राइट आंसर। जब भी कोई प्रोसेस DMA ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेगी, लेट्स से कोई पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस रन कर रही थी उसको जो पेज एग्जीक्यूट करना था वो रैम के अंदर नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। उस केस में क्या होगा, आपको वो पेज हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को जो रन कर रही थी इसको सस्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका पेज नहीं मिला मेमोरी के अंदर। तो जब DMA ट्रांसफर हो रहा होगा तो CPU तो फ्री है क्योंकि जो करंटली रनिंग प्रोसेस थी वो सस्पेंड हो गई, तो CPU क्या कर सकता है कि जो अलग दूसरी प्रोसेस है और जो रेडी क्यू में पड़ी हुई है उनको उठा के एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डी यही कह रहा है कि प्रोसेस इज टेम्परेली सस्पेंडेड एंड अनदर प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 89, द DMA ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय, हमें पता है कि DMA ट्रांसफर को इनिशिएट करता है प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 90, द स्टैंडर्ड स्टैटिक रैम, SRAM मीन्स स्टैटिक रैम चिप्स आर कॉस्टली एज, स्टैटिक रैम को हम यूज करते हैं कैश मेमोरी बनाने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्टली होती है, क्यों? दे यूज हाई एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्टैटिक रैम यूज करती है आपकी फ्लिप फ्लॉप्स एंड ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक फ्लिप फ्लॉप के साथ में बहुत ज़्यादा लगते हैं, हर एक चिप में 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो इसलिए वो कॉस्टली पड़ते हैं। दे हाउस 6 ट्रांजिस्टर पर चिप। 91, द ड्रॉबैक ऑफ बिल्डिंग ए लार्ज मेमोरी विद डायनेमिक रैम इज व्हाट। ठीक है, अगर आप लार्ज मेमोरी बनाते हो मतलब क्या है कि अगर आप हार्ड डिस्क ही, जो आपकी हार्ड डिस्क है, अगर वो डायनेमिक रैम से बनाने लग जाओ, जो आपकी नॉर्मल रैम है वो बनती है डायनेमिक रैम से और जो कैश मेमोरी है वो बनती है स्टैटिक रैम से। तो लार्ज मेमोरी का मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी जो आप करंटली मैग्नेटिक मटेरियल से बना रहे हो, अगर उसको आप डायनेमिक रैम से बनाने लग जाओ तो क्या होगा? द लार्ज कॉस्ट फैक्टर, द एफिशिएंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, द स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। अगर आप डायनेमिक रैम से बनाओगे इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल तो स्पीड तो बहुत अच्छी होगी, तो बी तो गलत है, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लार्ज कॉस्ट, क्योंकि आप देखो 4 GB की रैम ही 2000 की होगी और 1 TB की जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो 3000 की होगी। तो देखो 1 TB इक्वल्स टू 2 GB रैम। तो क्वेश्चन नंबर 92, द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग कैश मेमोरीज। कैश मेमोरी इज द फास्ट एक्सेस मेमोरी, सबसे फास्ट जो होगी वो कैश मेमोरी होगी, ठीक है। फास्टेस्ट डेटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग एक्चुअली रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स है वो सबसे फास्ट है। अगर मैं मेमोरी हिरार्की की बात करता हूँ, यह है आपका मेमोरी हिरार्की पिरामिड की फॉर्म में, सबसे ऊपर है रजिस्टर्स जिनका साइज सबसे छोटा है, उसके बाद में है कैश मेमोरी जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा है रजिस्टर से बट अभी भी छोटा है किससे, प्राइमरी मेमोरी से यानी कि रैम से। कैश मेमोरी के बाद में है प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क जिन्हें हम बोलते हैं, और लास्ट में है आपके फ्लैश ड्राइव, ठीक है। फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी और ये सब चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो इस मेमोरी हिरार्की में, तो आप देख रहे हो कि जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो रही है कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट पर बिट, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, जैसे जैसे आपका साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और जो कॉस्ट है वो भी कम हो रही है, कॉस्ट पर बिट। लेकिन जो स्पीड है, बैंडविड्थ जो है आपकी, बैंडविड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, बैंडविड्थ डिक्रीज़ हो रही है। जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ओके। सो लाइक दिस आप कह सकते हो कि रजिस्टर जो है सबसे फास्ट है क्योंकि सबसे ऊपर है, जितने आप नीचे की तरफ जाओगे स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। The memory which is used to store the copy of data or instruction stored in large memories inside the CPU is called what? The memory which is used to store the copy of data or instruction stored in the large memories inside the CPU. Okay, inside the CPU. Inside the CPU क्या है? Registers. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आप कैश मेमोरी भी लगा सकते हो लेकिन inside the CPU की बात कर रहे हैं। Inside the CPU जब भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर के अंदर सिर्फ एक ही तरह की मेमोरी है, वो है रजिस्टर्स। The larger memory placed between the primary cache and memory is called what? तो मेमोरी का हायरार्की अगर आप देखो तो ये ऐसे हैं, ये है आपकी लेट से CPU, ठीक है। सो CPU के बाद में हमारे पास में L1 कैश है, उसके बाद में है L2 कैश है और फिर उसके बाद में मेन मेमोरी, ठीक है। तो यह है आपका प्राइमरी कैश है, क्योंकि CPU को अगर कुछ भी डेटा एक्सेस करना होगा तो पहले वो प्राइमरी कैश है यानी कि L1 कैश में सर्च करेगा। अगर इसमें नहीं मिला यानी कि मिस हुआ तो आप जाओगे यहाँ पर L2 कैश के अंदर, L2 के अंदर भी मिस हुआ तो आप फाइनली एक्सेस करोगे रैम से, मेन मेमोरी से। तो ये प्राइमरी कैश है। तो ये कह रहा है कि द लार्जर मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी कैश एंड मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट? L2 कैश। मेमोरी एंड प्राइमरी कैश के बीच में क्या है? L2 कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 95, द लास्ट ऑन द हायरार्की स्केल ऑफ मेमोरी डिवाइसेस इज व्हाट? सबसे लास्ट में क्या है मेमोरी हायरार्की में? जैसे हमने अभी देखा था मेमोरी का हायरार्की, इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में फ्लैश ड्राइव्स और सबसे ऊपर है रजिस्टर्स, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का फ्लैश ड्राइव्स। क्वेश्चन नंबर 96, इन द मेमोरी हायरार्की एज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस द मेमोरी साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि इन दी मेमोरी हायरार्की जो हमने अभी देखा, एज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है कह रहा है कि मेमोरी का साइज भी बढ़ रहा है। ये रॉन्ग है क्योंकि जितना जितना आप देख रहे हो कि साइज बढ़ रहा है हार्ड मेमोरी का, ठीक है, जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ रहा है इस तरह से कॉस्ट कम हो रही है लेकिन बैंडविड्थ भी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है। जिससे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो साइज कम हो रहा है और बैंडविड्थ बढ़ रही है, ठीक है। सो इसलिए दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 97, The reason for the implementation of the cache memory is what? To increase the internal memory of the system, the difference in speed of operation of the processor and memory, to reduce the memory access and the cycle time. Okay, so actually में C is the right answer. हम कैश मेमोरी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो मेमोरी एक्सेस करने में टाइम लग रहा है, टोटल इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो घटाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैश मेमोरी। क्योंकि जो रिसेंटली जो बहुत बार डेटा आप एक्सेस कर रहे हो उसको बार बार मेमोरी से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, फाइनली उस डेटा को रैम से उठा के कैश में रख सकते हो। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे हमने कैश मेमोरी बनाई हुई है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो तरह का है, स्पेशल एंड टेम्पोरल। तो दो तरह से आप लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो रेफरेंस है वो लोकली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 99, द टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट। टेम्पोरल लोकेलिटी जो है वो रिलेटेड है टाइम से। इसका मतलब क्या है कि टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब ये कि जो डेटा अभी अभी मेमोरी से एक्सेस हुआ है, चांसेस बहुत ही हाई है कि फ्यूचर में वही सेम डेटा लेट्स से, अगर मैं कहूँ ये मेमोरी है मेरे पास में और यहाँ पे है लेट्स से I0 एंड I1, दो इंस्ट्रक्शन है इस मेमोरी के पास में, एंड I1 I2 इस लोकेशन पे है। ठीक है, ये CPU है। तो टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहती है कि अगर आपने अभी अभी I0 एक्सेस किया है टाइम T0 पे, तो बहुत ही चांसेस है कि जो I0 है सेम इंस्ट्रक्शन फ्यूचर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज टेम्पोरल लोकेलिटी। तो दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड सून, ये तो उल्टा ही कह रहा है। दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन इज टेम्परली नॉट रेफरेंस्ड, दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड सून अगेन, दिस इज ट्रू। ठीक है, जो आपने अभी अभी एग्जीक्यूट किया है वही जल्दी एग्जीक्यूट करोगे फ्यूचर में भी। क्वेश्चन नंबर 100, द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट। स्पेशल मीन्स ये रिलेटेड है स्पेस से। इसका मतलब ये कि आपने जो इंस्ट्रक्शन अभी अभी एग्जीक्यूट किया है, आपने जो डेटा अभी अभी एक्सेस किया है, बहुत ही चांसेस है कि उसके आसपास का डेटा भी फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड अगेन नेक्स्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पोरल लोकेलिटी। दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेन, नो। दैट द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ लेटर टाइम, दैट द इंस्ट्रक्शन इन क्लोज। ठीक है, that the instruction in close proximity of the instruction executed will be executed in future। मतलब क्या है कि let's say CPU और ये है memory, memory की cells हैं और एक block जो है memory का let's say 4 bytes का है, ये है I0 I1 I2 I3। तो स्पेशल लोकेलिटी कह रही है कि अगर आपने अभी भी ये एक्सेस किया है I0 तो बहुत चांसेस है कि इसके आसपास के इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होंगे। तो आप क्या करते हो, इसीलिए हम कहते हैं कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा। आप एक बार में पूरा एक ब्लॉक ट्रांसफर करते हो, ना कि एक वर्ड। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 100 MCQs ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो वी विल कंप्लीट दिस 200 MCQs इन नेक्स्ट 2 days। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।